आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मेमोरी चिप का हम स्टार्टिंग या लास्ट दैट इज एंडिंग एड्रेस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमें क्वेश्चन में एक एड्रेस दिया हुआ होगा एक एंड पॉइंट का और दूसरे एंड पॉइंट का हमें फाइंड करना होगा। आइदर स्टार्टिंग या एंडिंग कोई सा भी एक एड्रेस हमें दिया हुआ होगा और दूसरा एड्रेस हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है इफ द लास्ट एड्रेस ऑफ 1k, सॉरी यहाँ पे आएगा 1k, इफ द लास्ट एड्रेस ऑफ 1k मेमोरी इज FBFF इन हेक्साडेसिमल फाइंड द स्टार्टिंग एड्रेस। तो हमें क्या दे रखा है, ये लास्ट एड्रेस दे रखा है और हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग एड्रेस निकालना है कौन सी मेमोरी चिप का, एक 1k इंटू 8 इस मेमोरी चिप का। यहाँ पे इंटू 8 अंडरस्टूड होता है क्यों, क्योंकि हमें पता है 8085 में हर एक मेमोरी लोकेशन की जो साइज होती है वो 8 बिट्स दैट इज 1 बाइट होती है और टोटल लोकेशन कितनी है हमारे पास 1k है। तो इस पे अब हम बाद में आते हैं, पहले जो सीपीयू ने 16-bit एड्रेस जनरेट किया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, A0 से लेकर A15 तक 16 bits है। तो अब उस सीपीयू के द्वारा जनरेट किए गए एड्रेस को हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या जनरेट किया, FBFF इन हेक्साडेसिमल। पहले F क्या होता है, 1111, फिर क्या आया है, B आया है, B को हम क्या लिख सकते हैं, 1011, इसके बाद में क्या है, FF, दैट इज सभी 1 आ जाएंगे, 1111111, यहां तक तो हमने लिख दिया। अब हम आते हैं हमारी इस मेमोरी पे, 1k का मतलब क्या होता है, 2^10। तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर मेमोरी की साइज 1k है तो इसका मतलब 1k यूनिक लोकेशंस हैं, तो हमें 10 बिट्स की जरूरत पड़ेगी यूनिक एड्रेसेस, इतने 1k एड्रेसेस जनरेट करने के लिए हमें 10 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं, तो हमें 10 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं A0 से लेकर A9 तक हो गई टोटल 10 बिट्स, तो ये 10 बिट्स क्या डिसाइड करेंगी, इस पर्टिकुलर चिप के अंदर यूनिक एड्रेसेस जनरेट करेंगी, लोकेट करेंगी, ओके। और ये जो बची हुई चिप्स बिट्स हैं वो क्या है, चिप सिलेक्शन के लिए काम आएंगी। मतलब ये क्या बताती हैं, किसी पर्टिकुलर चिप का कोड बताती हैं। तो ये जो हमारी गिवन चिप है उसका कोड क्या है, ये है, ओके। और उसका लास्ट एड्रेस क्या है, ये है, उस पर्टिकुलर चिप का लास्ट एड्रेस क्या है, ये है, ओके लास्ट। अब हमें फर्स्ट एड्रेस निकालना है, तो अगर लास्ट एड्रेस में सभी क्या होते हैं, 1 होती हैं बिट्स, तो स्टार्टिंग एड्रेस में ऑब्वियसली सभी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इन सभी बिट्स को हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसके बाद में इस चिप का कोड चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा, क्योंकि हम उसी पर्टिकुलर चिप की बात कर रहे हैं, हमारी चिप चेंज नहीं हुई है, उस चिप का लास्ट फर्स्ट एड्रेस हम निकाल रहे हैं। अब हम इसको 4-4 का ग्रुप बनाएंगे, तो 4-4 का जब हम ग्रुप बनाएंगे तो हमारा ग्रुप कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम इसका कोड लिखें, तो ये क्या आया, एफ आया, ये क्या होता है, 1008 होता है, और ये 0 और ये 0, तो ये 00 इन हेक्साडेसिमल, तो ये क्या आया है, हमारा स्टार्टिंग एड्रेस आया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 8k मेमोरी, यहाँ पे देखना हमें कौन सी मेमोरी दे रखी है, 8k मेमोरी दे रखी है, और उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 3000 इन हेक्साडेसिमल, तो हमें क्या बताना है, लास्ट एड्रेस बताना है, क्या बताना है हमें, लास्ट एड्रेस बताना है। तो अब अगेन सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या लिखना है, 3000 इन हेक्साडेसिमल, तो सी का कोड क्या होता है, तो सी का कोड होता है 1100, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1100 लिख देंगे, फिर 000 दैट इज 0000, फिर 0000000, तो ये हमने स्टार्टिंग एड्रेस को लिख दिया, जो कि सीपीयू ने 16-bit एड्रेस जनरेट किया है वो हमने लिख दिया है। अब हम देखते हैं मेमोरी की साइज क्या है, तो अब हमारी मेमोरी की साइज क्या है, 8k, क्या है हमारी मेमोरी की साइज, 8k, दैट इज ये चीज अंडरस्टूड है कि 8k इंटू 8, ये क्या है हमारी मेमोरी की साइज है। तो अब हम 8k को क्या लिख सकते हैं, तो हम 8k को लिख सकते हैं 2^13, कैसे, तो 8 मतलब 2^3, k मतलब 2^10, और ये इंटू 8 तो अंडरस्टूड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2^13। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चिप में एड्रेसेस जनरेट करने के लिए, यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए हमें कितनी बिट चाहिए, 13 बिट्स चाहिए, कितनी बिट्स चाहिए हमें, 13 बिट्स चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि A0 से लेकर A12 तक ये सारी बिट्स किसके लिए यूज होंगी, यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए इस पर्टिकुलर चिप के लिए। अब बाकी की जो ये 3 बिट्स बची हैं वो 3 बिट्स क्या करेंगी,
चिप सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो चिप का कोड बताएंगे कि ये इस चिप का कोड है। इसका मतलब हमारी जो गिवन चिप है उसका कोड क्या है, 110 है। क्या है इसका कोड, 110 है। ओके, और बाकी ये जो है ये क्या है, उस चिप का स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक है, तो अब हमें ये तो दे रखा है स्टार्टिंग एड्रेस, अब हमसे पूछ रखा है आप लास्ट एड्रेस बताओ। तो स्टार्टिंग एड्रेस में ये सभी बिट्स क्या है, जीरो है, तो लास्ट एड्रेस में ऑब्वियसली ये सभी बिट्स क्या हो जाएंगी, वन हो जाएंगी। तो ये सभी बिट्स क्या हो जाएंगी, वन हो जाएंगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, और ये कोड चेंज नहीं होगा, ये कोड क्या रहेगा, 110 ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसी को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो अब हम क्या बनाएंगे, 44 का ग्रुप बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा 44 का ग्रुप बन गया, ये बन गया हमारा 44 का ग्रुप। अब हम क्या लिखें, इनका कोड लिखें। तो ये 1101 का मतलब क्या होता है, डी, इसका मतलब होता है F, 1111 F, और ये भी F। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट एड्रेस आ जाएगा इन हेक्साडेसिमल।